पार्टी से घर लौट रहे युवक को अपराधियों ने मारी गोली। जिले में लगातार अपराधियों का मनोबल बढ़ता जा रहा है। बेखौफ अपराधी गोलीबारी की घटना को अंजाम देने में लगे हुए हैं। देर रात 12 बजे के करीब केहर थाना क्षेत्र के शिवाजी कॉलोनी में बाइक सवार दो अपराधियों ने 22 वर्षीय युवक सोनू रजक को गोली मार दी और मौके से फरार हो गया। परिजनों को घटना की सूचना जैसे ही मिली, आनंद फानंद में घायल युवक को निजी अस्पताल मैक्स 7 ले जाया गया। युवक की हालत नाजुक बताई जा रही है। फिलहाल युवक का इलाज चल रहा है। वहीं अपराधियों ने युवक के जबड़े में गोली मारी है, जबकि एक घटना स्थल पर खोखा भी मिला है। बताया जा रहा है कि शास्त्री नगर निवासी गोपाल रजक का पुत्र सोनू कुमार अपने मित्र अंकित के साथ आरंसा चौक स्थित होटल हॉलीडे इंटरनेशनल में पार्टी करने के लिए गया था। रात में वापस जब घर लौट रहा था तो बाइक सवार अपराधियों ने गोलीबारी कर घायल कर दिया। इस संबंध में स्थानीय थाने में भी मामला दर्ज किया गया है। घायल युवक के पिता कलाभवन रोड में कपड़ा आयरन कर परिवार का भरण पोषण करते हैं। गोली किसने चलाई और गोली मारने की क्या वजह है, इसका खुलासा होना बाकी है। मामले की फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। डबल गोली वहाँ फायरिंग किया होगा, एक गोली लगा और एक गोली जो मारने वाला जो था ना, तो छिटक दिया होगा। वो छिटक दिया होगा तो हम गए वहाँ खोजने के लिए, तो खोजने के लिए गए ना तो वहाँ पे हमको मिला। अभी एक घंटा हो रहा है रात में पुलिस नहीं खोजी थी। रात में पुलिस नहीं खोजी, कुछ भी नहीं खोजी। नहीं अभी खोजे आपने? जी हम सुबह हम जिसको गोली लगा उसका हम भाई हुए। अच्छा छोटा भाई? हाँ उसका हम छोटा भाई हुए। तो हम सोचे हम मेरा भाई है, हम तो छानबीन तो करेंगे ना। तो गए तो वहाँ तो हम वहाँ पे गोली लगा हुआ था, तो वहाँ पे देखे तो खोजे तो ये वाला गोली हमको वहाँ पे ये वाला गोली हमको मिला। वहाँ पे गोली मिला तो वहाँ पब्लिक भी था, जो रात में पब्लिक दो आदमी मिल के वो आदमी लोग हॉस्पिटल मेरा भाई को पहुँचाया। और अभी तो क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोनू कुमार। आप उनके कौन है? उनका भाई हुए हम छोटा।